गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, हुड्डा सिटी पार्क परिसर से शहतूत का पेड़ काटने वालों से गुरुवार को 2500 रुपए वसूल किए गए और ये कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण टाउन पार्क कमेटी के पदाधिकारियों ने की। साथ ही जिन लोगों ने पेड़ कटवाए थे उनकी क्लास भी लगाई। छटाई के बहाने पार्क में से शहतूत के 11 पेड़ों को काटकर बेचने वालों से कड़ाई से हुई पूछताछ में सच पता चल पाया। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों उस आरा मशीन पर गए जहां पर लकड़ी बेची गई थी। वहां से 2500 रुपए की वसूली की गई। इस रकम को समिति के खाते में डाल दिया गया। इस संबंध में कमेटी के सेक्रेटरी वेदपाल हुड्डा ने कहा कि पार्क सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि गर्मी में आने वालों को सुकून मिल सके। ऐसे में यहाँ पहले से लगे पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। पता चलते ही शहतूत के पेड़ों की कटाई रुकवा दी गई, बेचने वालों से रकम भी वसूल की गई। जिन लोगों ने ऐसा करवाया था उनको गलती का एहसास कराया गया। समिति के फाउंडर मेंबर ईश्वर गहलोत और वीरेंद्र सुहाग ने कहा कि पार्क में लगे पेड़ों को नुकसान पहुंचाना गलत है। जिन लोगों द्वारा पेड़ काटा गया था उनको समझा दिया गया है, दोबारा ऐसी गलती करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वसूले गए रुपयों को पार्क के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।